हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? कैसे रहे आप लोगों के एग्ज़ाम? आई होप इस बार आपके एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे। एग्ज़ाम्स कंप्लीट होते ही अब आप लोगों ने CUET की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी होगी, शुरू कर दी है ना? तो चलिए, इस बार CUET की प्रिपरेशन में मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं यहाँ पर इस चैनल पर बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूँगा, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग इस सीरीज की पहली वीडियो बिजनेस स्टडीज की चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट MCQ से शुरू करते हैं। तो चलिए, आप लोग एक कॉपी निकाल लीजिए। जो भी MCQ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको साथ साथ उनका आंसर लिखना है, और लास्ट में हम ये चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। ऑल दो साथ साथ मैं भी आपको आंसर्स बताता रहूँगा, लेकिन चलिए लास्ट में वेरीफाई करेंगे आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। आपके जितने भी आंसर्स ठीक हों वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में कुछ MCQs के आंसर मैं नहीं दूंगा, जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला MCQ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आइडेंटिफाई द हाईलाइटेड फीचर ऑफ द मैनेजमेंट डिपिक्टेड इन द इमेज गिवन बिलो। देखिए, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें लिखा है टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, डायनामिक। तो देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ मैनेजमेंट के फीचर की बात कर रहे हैं, और मैनेजमेंट के फीचर में जो सबसे सही आंसर है वो है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि यहाँ टीम वर्क की बात हो रही है, ठीक है? तो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, तो यहाँ टीम वर्क की बात हो रही है, राइट? आपका नेक्स्ट MCQ है, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन डिपिक्टेड इन द इमेज गिवन बिलो। देखिए, यहाँ पर एक इमेज है, इस इमेज को देखकर आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर कौन से करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है प्रोफेशन की, ठीक है? पहला जो ऑप्शन है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सेकंड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। लास्ट से शुरू करते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है, एथिकल कोड भी यहाँ ऐसे नहीं दिख रहा है, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं दिख रहा है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन इज वेदर द डिसीजन हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शन और नॉट कैन बी कंफर्म्ड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब आउट ऑफ द गिवन फंक्शन आपको ये पता करना है कि जो भी डिसीजंस हैं वो ट्रांसलेट हुए हैं एक्शन में या नहीं। तो ऑप्शंस हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग। चलिए, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। चलिए तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइटेड दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हियर यू हैव टू फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्शन है बहुत सारे इंडिविजुअल्स का, डिफरेंट नीड्स वाले। अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शन। Each member of the organization may have different individual goals, but they must travel together towards a common direction, या common goal, and all of the above. तो इसका जो आंसर सही है, आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, बट इसका जो सही आंसर है, that is D. Management is considered important because, why management is important? It helps an organization to adapt to the change, क्योंकि एक मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस के साथ अपने आप को चेंज करने में। सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स, इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव। आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा, एंड द राइट आंसर इज डी। मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी आर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, different principle of management are brought into effect differently by different managers. It is not important for the practicing manager to be a member of a professional association. बताइए क्या आंसर है? आप लोगों ने आंसर वैसे मार्क कर लिया होगा, तो चलिए, इसका जो सही आंसर है, that is C. The authority responsibility relationship that exists within the organization give rise to different functions within the organization, different levels in the organization, management as a multidimensional activity, management as a group activity.
तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू, मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप से क्या क्या चीज़ क्रिएट होती है। तो देखो जो इसका आंसर सही है वो आप लोगों ने मार्क तो किया ही होगा, इसका सही आंसर है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, पढ़ लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाइन्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंट्रैक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली, मतलब यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेवल है जो मैनेजमेंट का जो वर्कफोर्स से डायरेक्टली इंट्रैक्ट नहीं करता है। सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, फर्स्ट लाइन एंड मिडिल लेवल मैनेजर। सो जो अबव तीन हैं सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और फर्स्ट लाइन, ये जो है लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, ये लोग तो वर्कफोर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते ही हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स डायरेक्टली वर्कफोर्स से इंटरेक्ट नहीं करता क्योंकि उसके लिए लोअर लेवल मैनेजर होते हैं। तो सही आंसर आपको मालूम ही है क्या है। ओके तो आपका 10th MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप इट ऑन द राइट ट्रैक सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स माइट बी अचीव। ठीक, ऑप्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक, तो आप लोगों ने तो ऑप्शंस चुन लिया होगा और जो इसका सही आंसर है दैट इज प्लानिंग। मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। मैनेजर needs to communicate with a common with another with the help of a common vocabulary for the better understanding of their work situations. Identify the characteristics of management. Principle based on experimentation बिल्कुल भी नहीं है। Systematic body of knowledge, universal and personalized application. आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा और इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, systematic body of knowledge. Organizing as a function of management involves deciding. So organizing में आप क्या decide करते हैं, ठीक है। What activities and resources are required? Who will do a particular task? Where will it be done? All of the above. Answer बताइए। इसका सही answer है D, ठीक है। यहाँ पर हम activities, मतलब यहाँ पर हम वट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, ये भी सोचते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और किस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, कौन किस काम को करेगा। वेयर इट विल बी डन, कहाँ होगा। एंड ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लिंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ कैरिंग आउट द अदर फंक्शन सक्सेसफुली, ठीक है। कौन सा फंक्शन है जिसके बाद दूसरे फंक्शन लिंक डाउन होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन चल सके। जो सही आंसर है वो है प्लानिंग, ठीक है। 14th, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टेड अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स व्हिच इंश्योर्स दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद अ मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं चाहूँगा इसका आंसर आप लोग मुझे दें। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट में मुझसे इसका आंसर पूछ सकते हैं। डैश इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर इनटू आउट ऑफ क्योस, रिमूव्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल ओवर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग एंड क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर सूटेबल टीम वर्क। हेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमें क्या करना है। मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ क्योस, रिमूव कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताओ कौन से फंक्शन में सूटेबल लगती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। तो आंसर आप लोगों ने चुन लिया होगा, जिसका सही आंसर है दैट इज बी, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में ही हम लोग ये सब काम करते हैं। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस। इसके ऑप्शंस पढ़िए। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर एंड आउटकम्स, कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड विद द अटमोस्ट एक्यूरेसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ही CUET में आते हैं जो थोड़ा सा दिमाग को घुमा दें, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे आप लोग दीजिए
ठीक है, और नहीं भी समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल, तो मैनेजमेंट कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन मैनेजमेंट, सेमी प्रोफेशन, इमर्जिंग प्रोफेशन एंड मैनेजर। सो द राइट आंसर इज सी, इमर्जिंग प्रोफेशन, क्योंकि मैनेजमेंट जो है इमर्जिंग प्रोफेशन है ना, अभी वेल डिफाइंड नहीं है। कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कस्टमर्स डिमांड एंड प्रेफरेंस, टेस्ट मेकर बेकरीज हैज रिड्यूस्ड द शुगर एंड फैट कॉन्टेंट इन इट्स प्रोडक्ट। दिस अप्रोच द बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन एंड मल्टी डायमेंशनल। तो देखो यहाँ पर उसने क्या किया, कस्टमर की डिमांड्स और उसकी प्रेफरेंस देखी और उसने थोड़ा रिड्यूस किया है शुगर को और फैट कॉन्टेंट को अपने प्रोडक्ट में। तो सिंपल सी बात है, जो डिमांड है मार्केट के अंदर वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है अ डायनेमिक फंक्शन। नाइन्थ इज दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं आपके लोअर लेवल मैनेजर्स। इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए, बहुत आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाइलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। सारा आंसर तो यहीं पर मिल गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज एन पर्वेसिव फंक्शन, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और अ डेलिबरेट फंक्शन। सो द राइट आंसर इट्स कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस करे हैं। तो चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं, और जो आंसर्स मैंने आप लोगों को नहीं दिए हैं उनके आंसर्स भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, या अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। साथ में आप मुझे ये भी बताइए कि हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।